हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है न्यू व्लॉग में, हर हर महादेव। और अभी हम लोग स्टेशन पहुंचे हैं जसडी और दुर्गापुर जा रहे हैं। और सोचे थे कि आज व्लॉग नहीं शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 5 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हम लोग, थोड़ा सा तबीयत इनका ठीक नहीं चल रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा था, तो दिखाए हैं। और उनको मतलब जो यहाँ पर जाँच हुआ उसमें जो है एक जांच में जो है पॉजिटिव जो है आ गया है, तो मतलब उसके लिए और भी एक जांच लिखा गया है जो कि यहाँ नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं दुर्गापुर। तो उसके बाद ही कंफर्म होगा कि मतलब सब कुछ ठीक है या नहीं। तो शेयर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि चलो कैमरा के सामने अपना मन हल्का कर लेते हैं। आप लोग के बाद आप लोग के पास जो है ये बातें बाद में पहुँचेगी, लेकिन अभी मन थोड़ा सा भारी हो रहा था। चलिए आप लोग से बात कर लेंगे कैमरा के सामने, थोड़ा सा मन हल्का कर लेते हैं, क्योंकि पहले अपना जो है दुख मैंने कभी शेयर नहीं किया है, क्योंकि दुख ज़्यादा बांटना मतलब दुख अगर शेयर करो तो ज़्यादातर लोग मजाक उड़ा देते हैं, तो कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन आज थोड़ा सा मन भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखिए जा रहे हैं, आई होप कि महादेव की कृपा रहे कि सब अच्छा हो, ऐसा कुछ ना हो, ये प्रार्थना करते हैं। और निकल रहे हैं, बस थोड़ी देर में अभी पहुँचेगी स्टेशन पे गाड़ी, तो निकलेंगे हम लोग। और टिकट भी तत्काल मिली है, क्योंकि ट्रेन में टिकट भी मिलना मुश्किल है अभी। तो आप लोग प्रे कीजिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। और हमेशा जो आपके सामने अर्चना हंसती रहती है, वो भी कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और मन थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो बता नहीं पाते हैं और ज़्यादा शेयर भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मजाक उड़ा देते हैं इसीलिए। चलिए सब कुछ ठीक रहे, अभी निकलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं क्या होता है। आगे जो जो हो सकेगा आप लोग साथ शेयर भी करते रहेंगे। और ये सोच रहे हैं, मन में चल रहा है कि सब कुछ सब ठीक हो, भोलेनाथ की कृपा रहे, क्योंकि अपना या फिर आसपास सब कोई अनदेखा कर दे तो चलता है, भगवान भी अनदेखा कर देंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे भी आप लोग जो होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे, दुख सुख जो भी होगा। पहली बार आप लोग के साथ दुख भी अपना बांट रहे हैं, हमेशा तो खुश होने का जो है दिखावा बोल सकते हैं। हम लोग की जिंदगी बहुत स्ट्रगल से गुजरा है, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आप लोग तो देखते ही होंगे वीडियो में कितना ज़्यादा कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग को वीडियो दिखाने के लिए, ये सब मेरे लिए स्ट्रगल है। चलिए अच्छा रहे सब कुछ, तो आप लोग के साथ हमेशा बने रहेंगे और आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए, और अभी ट्रेन जो है आधा घंटा लेट हो गया, पौन घंटा लेट हो गया है हम लोग, पता नहीं पहुँचने में हो सकता लेट हो जाएगा, अभी तक ट्रेन आया नहीं है, पौन घंटा लेट भी है। सोचे थे कि जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है, टाइम लगता है, चलिए वेट करते हैं, अब आधा घंटा लगेगा। दुर्गापुर अभी पहुंच गए हैं जस्ट, और ऑटो का रिजर्व करके भी जा रहे हैं हॉस्पिटल, और जल्दी पहुंचना भी है क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 घंटा लेट हो गया ना, गाड़ी भी लेट था, मतलब 1 घंटा गाड़ी आधा घंटा लेट था, फिर करते करते 1 घंटा यहाँ लेट हो जाए। और क्योंकि फिर हम लोग को सेम डे लौटना भी आज रात को 7:30 बजे के लगभग ट्रेन है, फिर तो बस जल्दी निकले हैं, अभी देखते हैं रात को किस मतलब जो सोचे हैं सब काम जो है अच्छे से दिन भर में हो जाए, फिर टाइमली निकल जाए और सब कुछ नॉर्मल रहे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, टाइम भी लगेगा, और यहाँ का फॉर्म फिलअप करना है, तो बस वही कर रहे हैं, उसके बाद जो है नंबर लगाना है। सुबह से निकले हुए हैं, सुबह से शाम हो गया है, लेकिन अभी यहाँ का जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जो मेन जांच करवाना था वो अभी तक नहीं हुआ, डॉक्टर से दिखा लिए और उसके बाद ब्लड टेस्ट लिखे हैं, ब्लड टेस्ट होगा उसके बाद ही वो जाँच होगा। तो ट्रेन जो टिकट लिए थे जिस ट्रेन में जाना है वो भी लगता नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, साढ़े छः 2 घंटा का टाइम लगेगा, उसके बाद जो एंजियोग्राफी करवाएंगे, तो वो वाला ट्रेन तो नहीं पकड़ाएगा। फिर एक और लिए हैं, अभी ट्रेन में टिकट मिला, घर पहुँचते पहुँचते पता नहीं 12 बजे का क्या होगा, मतलब जिस काम के लिए मेन आए हैं वो अभी तक मान के चले कि अभी नहीं हुआ है, जो कन्फर्म होना है जिसमें जाँच होगा उसके बाद ही कन्फर्म होगा, वो अभी तक हुआ नहीं है।
है हॉस्पिटल, हेल्थ वार्ड हॉस्पिटल में है ब्रांच। आप फर्स्ट टाइम आए दिखाने के लिए, मिशन में आए हैं दो बार, उतना घाव हुआ था उसके लिए आए थे दो बार दिखाने के लिए, यहाँ पहली बार आया है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी थोड़ा ज़्यादा होता है और अभी भी देखिए उधर पूरा उसर भीड़ है, तो अभी हम लोग लैब के पास बैठे हुए हैं, इधर ही बैठे हुए हैं क्योंकि रिपोर्ट ले लेंगे, उसके बाद ही कुछ काम होगा। और ये अभी तक भूखे हैं, एंजियोग्राफी जब तक नहीं होगा जब तक खाना नहीं है, मतलब 4 से 5 घंटा कम से कम उसमें भूखे रहना होता है टाइम, उसके बाद। तो वहाँ से मायूस होकर लौटना पड़ा क्योंकि जो है जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, जो जांच करवाना था वो नहीं हुआ आज, मतलब पल्स रेट ठीक रहेगा तब होगा और ब्लड टेस्ट हुआ उसका तो रिपोर्ट मिल गया था, लेकिन उसके बाद बोले थे कि हो जाएगा लेकिन आज नहीं हुआ। हम लोग सोचे कि आज हो जाएगा तो चलो एक दिन में काम निपट जाएगा, लेकिन मतलब तो जो जितना सोच के आए थे हुआ नहीं। और जो जो मेन इम्पोर्टेंट था, जो ज़्यादा ज़रूरी था वही काम एंजियोग्राफी, वो हुआ ही नहीं। अब उसके लिए दवाई चलेगा अभी दो दिन, लेकिन खैर वो हो जाता तो निश्चिंत हो जाते, रिपोर्ट तो खैर बाद में भी लेने के लिए आ जाते थे, आ जाते हार्ड कॉपी, बाकी तो आगे का मतलब कन्फर्म हो जाता ना कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ थे वही रह गए, कुछ आज नहीं हो पाया, कंफर्म ही नहीं हो पाया और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा। तो फिलहाल अभी वही वाला ट्रेन पकड़े हैं जो पहले जो टिकट लिए थे, अब बाद वाला जो लेके रखे, सोचे कि लेट हो जाएगा तो एक और लेके रखे, 9 बजे का था तो वो कैंसिल भी नहीं होगा, तो वो तो पैसा जाएगा फालतू में। और इसको कैंसिल कराने का सोच रहे थे, अच्छा हुआ कैंसिल नहीं हुआ, चार्ट बनने के बाद फिर कैंसिल नहीं होता है, जो भी वो अच्छा हुआ। फिर वहां से जैसे ही काम खत्म हुआ, बस मात्र 15-20 मिनट टाइम बचा था, जल्दी जल्दी हम लोग ऑटो पकड़ के स्टेशन पहुंचे, उसके बाद उस पर बैठे हैं और 10:15 तक पहुँचेंगे, 10:15 बजेगा। लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो नहीं हुआ, और फिर एग्जाम भी है कल दिव्यांशु का, उसका एग्जाम है फाइनल, तो फिर अभी देखते हैं कब आते हैं फिर, लेकिन मतलब जितना जल्दी हो सके करवाना भी है क्योंकि जो ब्लड टेस्ट हुआ है उसके हिसाब से 1 वीक के 1 सप्ताह के अंदर वो काम भी हो जाना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और जरूरी भी है क्योंकि हम लोग को भी कंफर्म होना है कि वो जांच बहुत जरूरी है, वो हुआ ही नहीं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जस्ट सिटी स्टेशन, और कितना बज गया, 10:30 बज रहा है, बहुत ठंडा भी लग रहा है, और खाना भी यहाँ पर थोड़ा सा पैक करवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आज तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी हो गया और कोई काम भी नहीं हुआ, मूड ऑफ हो गया आज। देखते हैं अब नेक्स्ट डे कब जाकर जाने का जो प्लानिंग होता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी है, सब कुछ मैनेज करके ऑफिस वगैरह सब कुछ मैनेज करके निकलना पड़ता है क्या, और उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है ना, टिकट नहीं मिलता है सबसे ज़्यादा दिक्कत, और ट्रेवल दूर का है, 2-2.5 घंटा लगता है, तो फिर टिकट भी कंफर्म नहीं हो रहा होता है, इतना जल्दी मिलता नहीं है कभी तक, या फिर तो हम लोग तत्काल में लिए थे और लौटने में तो देख ही रहे हैं, एक ठो करवाए तो काम का नहीं रहा, वो गया पैसा पानी में, कितना परेशानी होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जैसे गए थे वैसे ही लौट के आ गए, ये स्थिति हो गया है। मतलब हुआ लेकिन मतलब जो जरूरी था वो डाउट क्लियर नहीं हुआ, वो वैसे ही रह गया क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं हुआ। वहाँ गए तो डॉक्टर दूसरा प्रोसेस करवा दिए, और फिर उसके बाद वो होना था तो उसके लिए ऐसा रहेगा तब होगा, बस हर चीज में कुछ ना कुछ, आज होना ही नहीं लिखा था, आज होना नहीं लिखा था। चलिए अभी फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डे, मतलब आगे कैसे प्लानिंग करते हैं,